फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। आप देख तो रहे हो पर क्या आपको दिख रहा है? अब एक्चुअल में जिस रूम में खड़े हो वो भी यूनिट सेल जैसे ही है। आपको सिर्फ एक कोना पकड़ना है और ये है वो कोना। अब इस कोने के हिसाब से देखा जाए तो आप ऑपोजिट कोने को देख सकते हो। नहीं दिख रहा? अभी दिखेगा। अब ये बेसिकली आपका यूनिट सेल है जिसके होते हैं 8 कॉर्नर, 6 फेसेस और 12 एजेस, राइट? एंड इन्हीं डायमेंशंस को लेके हमारे यूनिट सेल्स अलग अलग बनाए गए। जैसे कि अगर ये तीन साइड्स हैं ए बी और सी, ए के ऑपोजिट एंगल अल्फा है, बी के ऑपोजिट एंगल बीटा है और सी के ऑपोजिट एंगल। अब इसके बेसिस पे अलग अलग यूनिट सेल तैयार किए गए हैं। यस राइट, ट्रैविस ने अलग अलग यूनिट सेल तैयार करके ये बताया हम लोगों को कितने टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं और वो सारा का सारा सिंपल इस पे बेस्ड था। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पहला यूज किया है ए बी और सी बराबर है, ए बी और सी बराबर है, इसमें एंगल सर क्या है 90 डिग्री, राइट एंगल्स है। क्या इमेजिन हो रहा है वो देखिए, क्यूब, राइट? तो पहला यूनिट से बड़ा सिंपल सा है, ये है क्यूबिक यूनिट्स, करेक्ट? पहला बिल्कुल सिंपल है क्यूबिक यूनिट्स है। अब धीरे धीरे हम चीजों को खराब कर देंगे। ए खराब कर दिया मैंने बी और सी के हिसाब से, अब छोटा करूं बड़ा करूं मेरे ऊपर है, तो मैंने खराब कर दिया है। अब दो साइड तो सेम, एक स्क्वायर है, तीसरा साइड मैंने उठा दिया, हल्का सामान लेते हैं, उठा दिया उठा दिया उठा। ऐसा कुछ देखा देखा सा लग रहा है। मैं मार्केट में गया था और जूस का एक पैकेट लेके आया, उसमें टेट्रा पैक ट्रॉपिकाना और जूस जितने भी होते हैं टेट्रा पैक होता है, राइट? नाम मिल गया, नाम मिल गया, टेट्रा बोनर। चलो एक और भी गाड़ी है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एक और बिगाड़ दिया, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ये तो ऐसा लग रहा है कि तीन अलग अलग लाइंस हैं जो आपस में 90 डिग्री एंगल पे हैं। तीन लाइंस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच ऑर्थोगोनल पेयर, मिल गया ना, ऑर्थोरोमिक। वाओ, ये तो सारा इजी हो रहा है। चलो खूब साइड बिगाड़ लिए, एंगल बिगाड़ते हैं, सही? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल बिगाड़ दिया, तोड़ दिया, मोड़ दिया। अब मोड़ दिया तो फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो तो कहां जाने का? डॉक्टर के पास, डॉक्टर के क्लिनिक। एक तोड़ा और क्लिनिक, एक एंगल तोड़ दिया और क्लिनिक, एक मतलब मोनो और ले चलो उसको क्या क्लिनिक। अभी भी सेटिस्फाइड नहीं लाइफ से, और स्पोर्ट बतानी है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। अबे 90 हो जाए क्या बात सर? तीसरा ट्राइपॉड के गोले तोड़ दोगे जिस टूट ही जाएगा ना, वैसे ही अगर मैं दो एंगल बिगाड़ूंगा तीसरा ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगा ना।
कॉल्ड ट्राइपॉड। एक बिगाड़ा मोनोक्लिनिक, तीन बिगाड़ा, शाबाश। चल अब एक छोटा सा चेंज करेंगे, ये पांच तो ऑडियो की तरह है, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कैसा है कि मतलब इक्वल 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 है, पर ना आखिरी में जाके ये इक्वल नहीं है। आउच, ये क्यूबिक तो नहीं है बट एक रोम्बस की तरह दिख रहा है। जैसे रोम्बस क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं बट 90 नहीं होता कोई एंगल, राइट। रोम्बो हेड और एक तो बिल्कुल अलग सा ही है, मतलब इस पर एक पता तो काम हो जाएगा। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री किसमें होता है? हेक्सागोनल। अंडरस्टैंड? तो एक बार रिवाइज करते हैं। क्यूब, क्यूबिक, टेट्रागोनल, तीन साइड से अलग अलग हो गए, ऑर्थोरॉम्बिक, थर्ड एक एंगल बिगाड़ दिया मोनोक्लिनिक, थोड़ा दूसरा बिगाड़ दिया ट्राइक्लिनिक, हो गया क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक। अब एक एंगल 120, हेक्सागन, सारे साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल बट एंगल 90 कोई भी नहीं, रोम्बस का थ्री रोम्बोएड। हर चीज को याद करने का तरीका होता है, मेक इट इंटरेस्टिंग, याद अपने आप हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट आई डू ओवर हियर, राइट। सो फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स यू विजिट अस एट पांडसन आईटी क्लासेस 100 फीट रोड फुल्ला चौक अटेंडा। थैंक यू।